కృష్ణ పాదార్జ సగల లలిత శ్రీ విశాఖ ఓం జ్ఞానాంజన సమమూర్తి శ్రీ శ్రీ మాధవతి శ్రీ రూప శ్రీ శాంతి ప్రభు శ్రీ మహాత్మని నమః విష్ణు పాదాయ రాధికాయ శ్రీ శ్రీ మాధవకీయదాంశనారాయణి నామిని నమః విష్ణు పాదాయ ఆచార్య సింహరూపిణి శ్రీ శ్రీ మాధవకీ ప్రజ్ఞాన కేశవైకి నామిని నమః విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఇతి నామిని నమస్తే గౌరవాణి శ్రీమూర్తారిణి శ్రీ రూపాన్ని నమో గౌరకిశ్వరాయ సాక్షాత్ వైరాగ్యమూర్తయే విప్రలం పరసాంబుదే పాదాంబుజాయ నమః నామ భక్తి వినదాయ సచ్చిదానందనామిని గౌరశక్తి స్వరూపాయ రూపానుభవరాయ గౌరవాభిర్భావమిష్టం నిర్దిష్టా స్వజన ప్రియ వైష్ణవ సార్వభౌమ శ్రీ జగన్నాథాయ నమః వైష్ణవేభ్యో నమో నమః బృందాయ తులసిదళి ప్రియాయ కేశవశ్చ కృష్ణభక్తిప్రదేవి సత్యవతయే నమో నమః శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివ సాధి గౌరవభక్తవృంద హరే బృందావన వాసి Yeah.
Prevena da dhara
साथे गैला नगर ब्राज। इसका मतलब है महाप्रभु जब सूर्य उदय हो जाता है इसलिए उसको पहले महाप्रभु जग जाते हैं। जग करके क्या करते हैं, अपना भक्तों को लेकर के नगर रोज महाप्रभु रोज नगर फिर करते थे। अपना भक्तों को लेकर रोज ले जा करके हरि कृष्ण महामंत्र लेकर के सब घूमते थे। बोले क्यों, बोले जब भगवान के नाम जब गली गली में कीर्तन करें, लोग सो रहे हैं, सवेरे जब उठेंगे क्या करेंगे, सवेरे जब उठेंगे तो सबसे पहले ठाकुर का नाम सुन करके उठे, ठाकुर का नाम सुन करके उठे। और जब भगवान की का नाम सबका कान में पड़ेगा, सबका कल्याण होगा, सबका उद्धार होगा। और भगवान का नाम कीर्तन करने से उसका आवाज जितने दूर तक गूंजेगा उतना दूर तक आदि व्याधि दुख कष्ट चला ही नहीं सकता, सारे दुख कष्ट जो का खत्म हो जाती है। इसलिए महाप्रभु सवेरे सवेरे सब भक्तों को लेकर कीर्तन करते थे। उसके बाद में कहते उदित तपन हैले अस्त दीन गलबली है वे व्यस्त। जब सूर्य उदय होकर के जब अस्त हो जाता है, हम क्या कहते हैं, भैया आज दिन पूरी हो गई है, आज एक दिन पूरी हो गई। तब ये कह रहे हैं इससे शिक्षा क्या लेनी चाहिए, मतलब हमें जो भगवान ये मानव शरीर दिया है उसका एक फिक्स परमायु है, इतने दिन में हमारी मृत्यु होगी, मतलब अपना जीवन का एक दिन समाप्त चला गया, एक दिन जीवन हमारी चली गई है, फिर दो बार ये जीवन को वापस नहीं ला सकते हैं। तब इसका सार्थकता किसे में है, सार्थकता जब हम भगवान की भजन करें, जब हमारी श्वास श्वास से भगवान के नाम निकले, तब इस जीवन का सार्थकता है।
इसलिए कहते मुकुंद माधव जाधव हरि, मुकुंद माधव जाधव हरि बदन बढ़िया बोल रहे हैं। इसलिए क्या करो, अपना मुंह को भर करके, मतलब खूब जी भर करके क्या करो, भगवान के मुकुंद माधव जाधव हरि, जो भगवान का नाम को क्या करो, खूब जी भर करके भगवान का नाम गाओ, क्योंकि ये एक ही जीवा है जिससे हम कृष्ण नाम, राधा जी का नाम, गोविंद का नाम ले सकते हैं। लेकिन इसको बाद में जब मानव शरीर नष्ट हो जाएगा, भले ही सिर पिटते रहोगे, लेकिन ऐसे कोई जीवा नहीं मिलेगा जिस जीवा से तुम ठाकुर जी का नाम को ले सकते हैं। ऐसे कोई जीवा नहीं, केवल एक ही जीवा ठाकुर ने दिया जिससे तुम ठाकुर जी के नाम को ग्रहण कर सकते। इसलिए कहते भैया जितने हो सके ये समय को कभी नष्ट मत किया करो, सो करके, गप्पे मार करके, इधर उधर की बात करके कभी भी ये जीवन को नष्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये 84 लाख जन्म के बाद में एक ही जीवा मिला है। अगर इसी जीवा से तुम संसार की बंधन को प्राप्त कर सकते हो, इसी जीवा से तुम ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हो, अभी तुम्हारी पर निर्भर करता है। अभी तुम ये जीवा को किस काम में लगाओगे, अभी तुम्हारी पर निर्भर करता है। अगर ठाकुर जी का नाम जप कर ले बस पर बेड़ा पार है, अगर ठाकुर का नाम भजन नहीं किया करते 84 लाख जन्म पर भटको, ठीक है ना। इसलिए ये समय को नष्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए हाथों में काम करो ठाकुर का सेवा मान करके, और मुंह में ठाकुर जी की नाम। कहते एक चीज को हमें ये चीज को गांठ बांध लेनी चाहिए। हाँ, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बताए भगवान की हरिनाम करने के लिए 10 अपराध को त्याग देनी चाहिए, त्याग दे करके हरिनाम करनी चाहिए। लेकिन 10 अपराध में कहते 9 अपराध को अगर हम कोशिश करते हैं अच्छे तरह से, ये 9 अपराध को हम त्याग सकते हैं। 9 तरह का अपराध, जैसे किसी वैष्णव का निंदा मत करो, गुरु जी की अवज्ञा मत करो, भगवान का नाम को साथ में ब्रह्मा शंकर दूसरे देवादेवी का नाम को बराबर मत करो, हरिनाम की जो महिमा है हैं इसको अति स्तुति मत समझो, बोले इसको बड़ा चढ़ा करके बोल दिया है ये मत समझो, ऐसे इसमें 9 तरह का अपराध बताया। कभी भी अपराध नहीं करने चाहिए, अगर हम कोशिश करें इस हर अपराध से दूर रह सकते हैं। लेकिन ऐसे एक अपराध है जिसको छोड़ना बड़ा कठिन है, बोले वो कौन सा है, बोले ये शरीर का प्रति में और ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा, ये बड़ा कठिन है। कहते ये अपराध को छोड़ना कठिन है, बोले भैया ये अपराध कैसे जाएगी, बोले भक्तिविनोद ठाकुर कहते एक चीज से जाएगी, एक चीज से, देखो यही एक चीज हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। कहते वो एक चीज क्या है, बोले 24 घंटा में 24 घंटा हाथों में जो कुछ करते हो सेवा करो, और हर समय ये जीवा से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। अगर ये जीवा से हम भगवान के नाम लेते रहेंगे तो यह तुम्हारे समय नहीं, तुम्हारे मन और किसी चीज में जाने के। इसलिए महाप्रभु ने बताया भैया जो लखपति बनेगा ना उसका हाथ में भोजन आप करेगी, इसलिए महाप्रभु बोले जो लखपति बनेगा उसकी हाथ का भोजन हम करेंगे। जो लखपति बनेगा मतलब 1 लाख अगर हम संकल्प लेते हैं रोजाना 1 लाख हम हरिनाम करेंगे, फिर कभी कभी हम बैठ करके इधर उधर की जो बात करते हैं ना, फिर तो हम इधर उधर की बात नहीं करने के लिए हमारे फुर्सत नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 लाख नाम करने के लिए 6 घंटा 7 घंटा तुम्हें चाहिए। अगर इतना अगर समय दोगे फिर बैठ कर कहाँ इधर उधर भी कहाँ बात करते हैं, बात नहीं कर सकते और समय नहीं मिले। इसलिए महाप्रभु के लिए लखपति बन जाओ है, 1 लाख ठाकुर जी की नाम जप करो। हाँ, अगर तुम्हें बैठ करके माला जप करने में समय नहीं मिलता है, घर का काम है, अपना बच्चे हैं, घर गृहस्थ हैं, साधु लोगों के लिए तो इच्छा कर सकते हैं, त्यागी लोग तो कर सकते हैं,
लेकिन घर गृहस्थी करना कठिन कर हो तो क्या करो, हाथों में जब कुछ करो सेवा मान कर करो, और मुंह में क्या करो, हर समय मुंह में पास हरिनाम करते रहो, हरिनाम करते रहो। अगर मुंह में जो हरिनाम करो वो भी हरिनाम है, वो भी ठाकुर जी की वो भी नाम है, ठीक है ना। इसलिए हर समय ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर समय उसको भी कुछ बीमारी है, इलाज उसको खून परीक्षा करना पड़ेगा। इसलिए हरे कृष्ण रसिया अंग्रेज समझते, तो मेरे ट्रांसलेशन करो अंग्रेज समझते, हरे कृष्णा गौर ब्रह्मानंद। इसलिए कहते हैं इस समय को ये मानव शरीर का जो जीवन को हमें नष्ट नहीं करनी चाहिए, इस भजन में ना इस बात पहले है। इसलिए कहते जीवन अनित्य जाना सार, ताहे नाना विधा विपत्ति भार, हरि नामाश्रय करि जतन तुम्ही थाकव अपन काजे। इसमें बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बोले जीवन अनित्य जाना सार, इसका मतलब है भगवान हमें ये जो मानव शरीर दिया है तो दुर्लभ है, 84 लाख जन्मों के बाद में मिला है तो मानव शरीर दुर्लभ, लेकिन होने पर भी ये अनित्य है, ये चीज को समझ लो। एक दिन ये शरीर हमारी छूटेगी, चाहने पर भी ये जीवन में रह नहीं सकते हैं, एक दिन शरीर हमारी जरूर छूटेगी है। इसलिए एक दिन जब छूटेगा मानव शरीर अनित्य जाना सार, लेकिन इसी जीवन में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए क्या करो, हरि नामाश्रय करि जतन तुम्ही थाकव अपन काजे। तुम क्या करनी चाहिए, बोले भगवान का नाम को आश्रय ले लो, भगवत नाम को आश्रय ले लो। प्रभुपाद कहते थे ये शरीर किस चीज से बनी हुई है, बोले 5 चीज से बना हुआ है, ऊपर 5 चीज दिख रहे हैं, मिट्टी वायु अग्नि जल आकाश, लेकिन अंदर में क्या चीज है, अंदर में तो गंदी की गंदी थी और कुछ है ही नहीं, टाटी पेशाब खून पीक से ये शरीर एकदम भरा और कुछ है ही नहीं शरीर। लेकिन प्रभुपाद एक अच्छी बात कह रहे हैं, शरीर तो अनित्य है, नश्वर है, टाटी पेशाब का थली, लेकिन इसी शरीर से ही हम भगवान की भक्ति करके साधन करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। हे तो गंदा शरीर, शरीर तो है गंदा, लेकिन इसी शरीर से ही प्रभु की भक्ति करके हम इसी शरीर से प्रभु तक पा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी चीज। इसलिए क्या करो, अगर ठाकुर जी को पाना चाहते तो क्या करो, हर समय सारा दुनिया भले ही तुम भूल जाओ लेकिन हरि नाम मत भूला करो है, हर समय भगवान जी नाम जपा करो, नाम जपा करो, नामाश्रय करि जतन तुम्ही, प्रभु का नाम को आश्रय करके जतन पूर्वक थाकव अपन काजे, और अपना काम में रहो लेकिन प्रभु का नाम जप करो, ठीक है ना। इसलिए कहते कृष्ण नाम कथा करिया पान, जुड़ाओ भक्त ही विनोद प्राण, नाम बिना कुछ नाही कहार, जौ तो भुवन माझी। तब इसमें कह रहे हैं क्या करो, बोले कृष्ण नाम सुधा करिया पान। इसमें से भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं अगर तुम जीवन में तृप्ति पाना चाहते हो, जीवन में सुख पाना आनंद पाना चाहते हो, जीवन में अगर तुम जीवन में आनंद पाना चाहते हो, केवल एक वस्तु से ही तुम्हें आनंद मिल सकती और किसी को तुम्हारा आनंद नहीं मिलेगा, ये दुनिया का एक वस्तु को भी आनंद तुम्हें देगा ही नहीं, क्योंकि ये संसार दुखालय है, जिसने दुनिया बनाई और खुद कहता है ये संसार दुखालय अशाश्वत, खुद जिसने बनाया वही कह रहे हैं ये दुख का घर है, ये दुख का घर, संसार दुख का घर है। इसलिए ये दुख का घर से तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकती है। हाँ, अगर तुम जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, क्या करो,
केवल एक कृष्ण नाम सुधा, इसलिए कृष्ण नाम उन्होंने अमृत बताया। कृष्ण नाम को ये अमृत बताया, इसको पान करो। पान करके क्या करो, जुड़ा भक्ति विनोद प्राण। भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, अपने आप को वो कह रहे हैं, केवल इस नाम से हृदय तुम्हारी आनंद में दुनिया में और किसी वस्तु को द्वारा तुम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखना जितने समय बैठ करके ठाकुर का नाम हम जप करते हैं उतना समय हमें शांति सुख मिलती, उसके बाद में फिर दुनिया में मन लगा इधर उधर मन पर भटकने लग जाते। और जो भक्तों का जो परिवार है ये अलग है, जो जीवन में भक्ति करते हैं, जिनकी पत्नी बच्चे संसार भगवान की भक्ति करते हैं, उनको संसार तो भगवान का धाम है, क्योंकि उनका बच्चे भी भजन करते हैं, पत्नी भी भक्ति करते हैं, जो पैसा कमाते हैं ठाकुर को सेवा के लिए करते हैं, उनका संसार नहीं, उनका संसार ही वृंदावन, उनका संसार वृंदावन का संसार है, ठीक है ना। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद का। ये जीवन अनित्य है और उसमें बड़ी बड़ी विपत्ति है, हैं? इसलिए जीवे कल्याण साधन काम जगत आसीय मधुर नाम। जीव के कल्याण करने के लिए भगवान ने क्या किया, अपना नाम रूप में जगत में आए, ठाकुर जी अपना नाम रूप में आए। इसलिए जीव कल्याण साधन काम जगत आसीय मधुर नाम, अविद्या तिमीर तपन रूपे हृदय गगन विराज। तब वो उदाहरण देते हैं, अज्ञान तिमिर, संसार तो अज्ञान है, ये अंधकार है, लेकिन भगवान का नाम कैसे, भगवान का नाम सूरज जैसे, जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार अपने आप हट जाती है, कि तो उसी तरह भगवान का नाम ये सूरज जैसे ही, अगर भगवान के नाम रूप में सूरज प्रकट हो गया, सारे अज्ञान अपने आप दूर हो जाएगा। देखो ये भजन में कितनी अच्छी अच्छी बात होता है, अच्छी अच्छी बात होता रहे ना, इसलिए ये भजन को हमारे गौड़ीय मठ में रोज रोज सवेरे में ये भजन को गाते हैं। अगर एक बार ये भजन को गा लिया ना, बस तुम्हारी भाई जी हो गया, मन को चेतनता मिल जाती है, भैया ये जीवन को नष्ट मत करो, क्या करो, ये जीवन पा करके भगवान की नाम जप करो, ठीक है। बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो और एक बात है हम बताना चाहता हूँ, जैसे मंगल आरती के बाद में ना हम गुरु जी की पूजा करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, ये ना हमारे जैसे वृंदावन मठ है, ये मठ में ये नहीं होती है, और हमारी और किसी किसी मठ में ये चीज़ नहीं होती है। कारण क्या है, जैसे एकदम सवेरे जब यहाँ आते हैं हम ऑलरेडी संसार दा वीन लोक त्राणाय कारुण्य घन घन प्राप्त कल्याण गुना नमस बंदी गुरु श्री, हम सवेरे उसको गा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने गुरु जी की वंदना को सवेरे एकदम पहले मंगल आरती से पहले हम इसको भजन को गा लेते हैं, इसलिए उससे क्या हो जाता है, गुरु जी की वंदना हो गई, गुरु जी की वंदना हो गई, पूरी की पूरी कृपा हो गई। और जब ठाकुर जी को हम आरती दिखाते हैं, जैसे पुजारी, जैसे पुजारी आरती करता है, इसका मतलब ये मत समझो कि पुजारी आरती कर रहा है, नहीं, जैसे हम पीछे पीछे गा रहे हैं, हैं? जैसे मंगल श्री गुरु गौरव मंगल अमृत, ये मत समझो केवल पुजारी आरती कर रहे हैं और हम आरती नहीं कर रहे, नहीं, हम भी आरती कर रहे हैं। पुजारी जैसे आरती करता है ना, हम तो गा रहे हैं ना, मंगल श्री गुरु गौरव मंगल अमृति मंगल श्री राधा कृष्ण, इसको हम भी गाते हैं, मतलब हम भी पुजारी के साथ में हम भी ठाकुर जी आरती कर रहे हैं। इसलिए जैसे पुजारी ठाकुर जी का आरती करने के बाद वो आरती को क्या करता है, ठाकुर जी का आरती हो गया, फिर इसका अंदर में जो वृंदा देवी तुलसी देवी रहती है, पुजारी भी ये वृंदा देवी को क्या करते हैं, इसको भी उन्होंने वो प्रसादी आरती, ठाकुर जी की आरती हो गई, ये हो गया ठाकुर जी का प्रसाद, फिर वो प्रसाद आरती को फिर उन्होंने ये तुलसी आरती को, तुलसी को उन्होंने दिखा दिया और तुलसी देवी की आरती हो गई, मतलब हमारी भी तुलसी की आरती हमारी भी हो गई। करने के बाद फिर वो आरती किसको दिखाता है, जो हमारे गुरु वर्ग बैठे हुए वहाँ पर,
हमारी गुरु जी, हमारी गुरु जी, हमारी गुरु जी, हमारी गुरु जी, ये जितने गुरु परंपरा बैठे हुए हैं, फिर वो आरती को लेकर के उन्होंने क्या करते हैं, सारी गुरु जी की, गुरु जी की, गुरु जी की, गुरु जी की, सबको उन्होंने वो आरती उन्होंने सबको दिखा दी। तो जब दिखा दिया, हमारी भी आरती उसमें हो गई, हम लोगों का आरती भी उसमें हो गई। फिर जो उसको बाद में वो आरती हमारी हो गई, फिर वो आरती को फिर हमें दिखाते, हमें दिखाते वो आरती को, फिर जो हमें दिखाते आरती को, फिर वो आरती को फिर हम लोग ले लेते, फिर वो आरती को हम लोग ले लेते ना, जैसे वो आरती को हम लोगों ने ले लिया, अगर ले लिया तो क्या हुआ, हमारी भी आरती हो गई, हमारी आरती हो गई, ठाकुर जी को भी आरती हो गया, फिर तुलसी देवी को भी आरती हो गई, फिर गुरु परंपरा सभी का आरती हो गया, फिर वो आरती को जब हम सर पर ले लेते हैं, ये सबका जो फल है, आरती का फल हमें सबके सब मिल गया। इसलिए हमारे गौड़ीय मठ में कहीं भी फिर दो बार, जैसे गुरु जी की सब सवेरे हो गया, गुरु जी की संसार का फिर हम लोग दो बार फेर करते हैं, इसलिए फिर कभी कभी उसको बाद में फिर हम फिर गाते हैं ना श्री गुरु चरण पद में, फिर यहाँ पर जो भजन शुरू होता है, फिर उसमें हम गुरु जी की वंदना फिर करते हैं। इसलिए ये दो तीन बार ये दोहराना हो जाता है, एक चीज को ना दो तीन बार दोहराना हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ कुछ भक्त लोग बोल रहे थे, जैसे आप लोग सवेरे मंगल आरती करने के लिए आते हैं, सबका घर में काम है, सबका घर में काम है, सब लोग चाहते जल्दी जल्दी हम अपना घर में जाए, बाल बच्चे ही, अपना बच्चों का पढ़ाई भी है, बच्चों का पढ़ाई भी है, संसार का काम है। इसलिए ठाकुर जी की मंगला आरती के बाद फिर दो बार, जब दो दो बार आरती होती है, उसमें भी बीस आधा घंटा चली जाती है। वो चाहते उस समय को बचा करके, उस समय को बचा ले, बचा करके, और जैसे थोड़ी सी कीर्तन करके, फिर अगर थोड़ी सी कथा हो जाती फिर चली जाएगी, फिर जल्दी जल्दी मंदिर से ही जल्दी जल्दी चले जाए, अपना घर से चले जाएगा, तो फिर यहाँ पर आ सकते हैं, अपना घर को भी संभाल सकते हैं, फिर घर से कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आएगी। इसलिए इनकी इच्छा है वो दोनों आरती को सब आरती के बाद में नहीं करके, उस समय को बचा करके, थोड़ी सी कीर्तन कथा करके इनको चले जाए, फिर अपना घर की काम करे, अपना संसार को ये संभाले, ठीक है, घर से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नहीं बोले गौड़ी मठ वालों को पागल बना रहे हैं, सब पागल बना रहे हैं, इसलिए ये भक्त लोगों का ऐसी भावना, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को कल से, अभी कितना समय हो गया, साढ़े छः, इसलिए कल से आपको 6:30 बजे आप यहाँ से चले जाना, ठीक है, 6:30 बजे चले जाना, जाकर के अपना घर गृहस्थी संसार, आपका घर भी वृंदावन है, क्योंकि आपका घर में भी सबके सब भजन करते हैं, हमारे घर में भी बच्चे लोग, हमारी पत्नी बच्चे सबके सब भक्ति करते हैं, तुम्हारे घर ही वृंदावन, फिर तुम्हारे घर में भी ठाकुर की सेवा पूजा, और शाम को कोशिश करना शाम को भी एक बार आने के लिए, ठीक है ना। शाम को जब यहाँ कथा होती है, अभी तो भागवत कथा हो रही है, अभी भागवत कथा हो रही है, अभी तो कथा में आ गए, लगता है आप लोग सब शाम आते हो ना, इसलिए सवेरे जल्दी चले जाना, और शाम को मुझे लगता है ये कथा जब जब विश्राम हो जाएगी, इसको बाद में बंसी बदन प्रभु यहाँ से आप कुछ दिन रुकेंगे, हाँ सवेरे और आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, फिर उनका कुछ काम है तो भी चले जाएंगे, और बीच बीच में यहाँ वो आते रहेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, और आपको भगवान की कथा सुनाते रहेंगे, और जब वो नहीं रहेंगे फिर हमारे तपन प्रभु, तपन महाराज, वृंदावन प्रभु, वृंदावन दास ठाकुर, बोला जी तपन महाराज की जय। देखो इसलिए ठाकुर जी ना, देखो पहले हमारे सनातन प्रभु थे, इतना दिन तक अकेले उन्हें संभाले, इतने संभाले, इसलिए मेरे को बार बार फोन करते थे, महाराज जी यहाँ पर सेवक को भेजो, महाराज जी ये दिक्कत है, महाराज ये दिक्कत, हर समय मैं तो परेशानी हो गया था, मैं तो इतने परेशानी हो गया था, इसलिए इतने में परेशानी में तो